बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ कहे। भाजप ने आपे छे आ बदल अमे बद्दा कार्यकर्ताओ गुजरात नी प्रजाना आभारी छे। फरी एक वार गुजरात मां भाजप सरकार हवे मात्र भाजपना कार्यकर्ताओं नू संकल्प नथी आखा गुजरात नू संकल्प बनी गयो छे। अब मीडिया के जो भी मित्र प्रश्न पूछना चाहें, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रश्न पूछने से पहले अगर आप अपने आप को और अपने प्रकाशन अथवा अपने चैनल को आइडेंटिफाई करें तो मेरे लिए सहूलियत होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी जो भारत के वैभव को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का हर हिंदुस्तानी को मौका देता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्प जो भारत के सांस्कृतिक वैभव और वसुधैव कुटुंबकम के चिंतन को प्रदर्शित करता है। अगर भारत का ये संस्कार, अगर भारत की ये रुचि, अगर भारत का ये संकल्प कांग्रेस पार्टी को नहीं भाता तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यही कांग्रेस पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधान सेवक को भी हटाने के लिए अपील जाकर पाकिस्तान में करती है। मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत से। अखिलेश यादव ने रामपुर में आजम खान के मुकदमे दर्ज कर उसको लेकर योगी आदित्यनाथ का निशाना साधा। मेरा आग्रह है कि पहले अगर गुजराती मीडिया कोई पूछना चाहे वो पूछे। तो अहमदाबाद में स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है, एक बार फिर से गुजरात में कमल ही खिलेगा।